सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन लेवल कब बढ़ता है? जब आप उल्टे लेटते हो। देखो, लोग पूरे देश में हाहाकार मचा रखा था, ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन। देखो अभी अपना अपना अभ्यास करते रहो, तुम्हें जादू दिखाता हूं। अभी कल मैंने जादू टीवी पर दिखाया कि भाई स्वामी रामदेव जिंदा है और असली वाला ही जिंदा है। दूसरा, स्वामी रामदेव का ऑक्सीजन लेवल 100%, 99 से 100% रहना चाहिए हेल्दी आदमी का। तो मेरा ऑक्सीजन लेवल पूरा है। तो आपको भी मैं एक चमत्कार दिखाता हूँ, मेरा ऑक्सीजन लेवल कितना है। ए, तुम स्क्रीन पे और टीवी पर भी दिखा देना। चलो भस्त्रिका करो, तुम्हारा भी ऑक्सीजन लेवल बढ़ा देता हूँ। अभी मेरा ऑक्सीजन लेवल 99, कोई भी चेक कर सकता है। ए, दिखा लो रे तुम भी आस्था वालों। 99 उल्टा करके मत दिखाना, इधर से दिखाओगे तो 66 दिखेगा। सीधा है ये 99। और इस समय मेरा पल्स रेट देखो, ऐसे 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 तो पहनते हैं इसको, तो ये 99। और इधर मेरा पल्स रेट, जब मैं एकदम शांत हो जाता हूँ तो मेरा नॉर्मल पल्स रेट रहता है 60, जो किसी खिलाड़ी का, जो एथलीट्स होते हैं, खेलते हैं, बहुत दौड़ते हैं, जिनकी फिटनेस बहुत अच्छी होती है ना, तो उनका पल्स रेट कितना होता है? 60। तो मेरा 60 और 62 पल्स रेट रहता है। मेरा बीपी 170 और 110 रहता है, 110 और 70 मेरा बीपी रहता है, पल्स रेट मेरा 60 रहता है, और मेरा ऑक्सीजन लेवल 99-100% रहता है। अब मैं आपको, अब देखो ये 63 मेरा पल्स रेट आ गया है, देख कोई भी देख सकता है, और टीवी पर तो और ज़्यादा अच्छा दिखेगा। तुम भी दिखा रहे हो, दिख रहा है? ठीक है, दिख रहा है। अब 99 ऑक्सीजन लेवल है ना, अब मैं इसको 60 तक लेकर के आता हूँ, तुम देख लेना भाई। हाँ, फिर इसको क्लोज में कैमरा ऊपर लिया ना, ऊपर उठा करके एक कैमरा। आ रहा है? चलो मैं आपको, तुमको चमत्कार दिखाता हूँ। लोग ना परेशान है ऑक्सीजन की कमी, ऑक्सीजन की कमी करके दिखाता हूँ पहले तुम्हें। ये ऑक्सीजन की कमी कैसे की जाती है? श्वास को बाहर छोड़ के और बाहर रोक दो, तो जब एक लेवल आएगा ऑक्सीजन कम हो जाएगा। तो मैं अभी, चलो पहले तो लंबे श्वास लो, लंबे लंबे श्वास लेते रहो, सहजता से योगाभ्यास करते रहो। लंबे श्वास लेने से 97, 98, 99, 100% ऑक्सीजन लेवल रहता है। अब
अब 98-99 से अब मेरा पल्स रेट इस अब 98 है मेरा ऑक्सीजन लेवल इस समय, वो तो एक जैसे मैं बीच में बोलता हूँ तो एक दो पॉइंट कम ज़्यादा हो जाता है, ये तो सामान्य बात है, 99-98-100 तक रहता है। अब मैं श्वास बाहर छोड़ के आपको एकदम 60 तक ला करके दिखाता हूँ, कोई भी देख सकता है। फोर्टी सेवन ऑक्सीजन लेवल और 47 ऑक्सीजन लेवल, कोई भी देख सकता है, 47 ऑक्सीजन लेवल और 43 पल्स रेट। अब वापस आ जाएगा, 20 सेकंड कम होने में लगे थे, तो भाई दो सांस लंबे ले लो, ऑक्सीजन मिल जाएगा, इसमें ब्रह्मांड में भरा पड़ा है। वापस आ जा, सिम सिम दरवाजा खुल जा, लंबा गहरा श्वास भरो, एकदम दोबारा चालू हो गया। वापस 98 ऑक्सीजन लेवल और 58 पल्स रेट, 57-58 बोल रहा हूं ना, 20-20 में, तो क्योंकि मैंने हार्ट को एकदम रिलैक्स कर दिया पूरा, तो अब देखो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन लेवल कब बढ़ता है, जब आप उल्टे लेटते हो। देखो एक तरीका बताता हूँ, सब उल्टे लेट जाओ, ये तरीका बता रहा हूँ, उल्टे जैसे ही आप लेटते हो तो उल्टे लेट करके, उल्टे लेट करके एकदम से लंबे लंबे श्वास भरवाते, जिनके भी परिजनों को मैंने कल सारे देश को बताया और 10-12 अभ्यास बताए कि जो है
जैसे ही आप उल्टे लेटते हो ना, जैसे ही आप उल्टे लेटते हैं, और ऐसे डीप ब्रीदिंग करते हैं, तो किसी में भी जो है ऑक्सीजन का लेवल अपने आप ठीक होने लगता है उल्टे लेटने मात्र से। तो अपने परिजनों को भी आज बता देना आप सब, लंबे श्वास लेते छोड़ते। पूरा श्वास भरा करो, श्वास लिया और जो कोरोना पेशेंट होते हैं ना, उनको सीधे लेटने में बड़ी असुविधा होती है, उनको उल्टा लेटना चाहिए ऐसे। जो मेरा हार्ट रेट 40 पर पहुंच गया था और काफ़ी देर तक, क्योंकि हार्ट पूरा रिलैक्स हो गया था, अब 77 मेरा हार्ट रेट है, 96 ऑक्सीजन लेवल है अभी बढ़ करके, ये जो है 96, 97, 98, 99। तो आपको मैं ये जो बात खाली प्रयोग करके जो मैंने दिखाया आपको, ये इसका प्रयोजन एक ही है खाली, कि ऑक्सीजन लेवल बढ़ाने में कितनी देर लगती है, 10 श्वास ले लो लंबे, उल्टे लेट करके ले लो, बैठ करके ले लो, ऐसे ले लो, ऐसे हाथ फैला करके ले लो, ऐसे हाथ कंधों पर रख करके ऐसे ले लो लंबे श्वास, ऐसे ले लो, ऐसे ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, बैठे बैठे ताड़ासन करते हैं ना ऐसे, ऐसे कर लो, ऐसे बैठे बैठे चारों तरफ हर कोने में फेफड़े के ऑक्सीजन पहुंच जाते। सिंपल सी बातें, ये ऑक्सीजन लेवल को मेंटेन करने के लिए कुछ तौर तरीके बताए।